बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दी, यूपी और उत्तराखंड में डेंगू का कहर जारी। लगातार बढ़ रहे मामले ने बढ़ाई परेशानी। लखनऊ में एक दिन में 30 नए मरीज मिले हैं। नोएडा में 30 नए डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के कोटद्वार में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 10 से ज्यादा केस होने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करने का निर्णय प्रशासन की तरफ से लिया गया है। तो यूपी और उत्तराखंड में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ रहे मामलों ने स्वास्थ्य महकमे की परेशानी बढ़ा दी है। लखनऊ में एक दिन में 30 नए मामले सामने आए हैं। वहीं नोएडा में 30 नए डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे नोएडा और कोटद्वार की, किस तरह से अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है। लोग अपना चेकअप कराने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि हर अस्पताल को यह निर्देश दिया गया कि अलग से डेंगू वार्ड बनाकर लोगों का उचित इलाज किया जाए, टेस्टिंग की जाए। साथ ही साथ नगर निगम की भी जिम्मेदारी बढ़ाई गई है कि आप जिन इलाकों में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं उनमें एंटी लार्वा का छिड़काव करें, इसके अलावा फॉगिंग भी करें। तो उत्तराखंड और यूपी लगातार डेंगू की मार झेल रहा है। लखनऊ की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 23 नए मामले सामने आए हैं। वहीं नोएडा में भी 30 डेंगू के नए मामले सामने आए हैं। अस्पतालों में लोगों की कतारें लगी हुई हैं, लोग अपना चेकअप कराने के लिए पहुंच रहे हैं। और बारिश के साथ साथ प्रदेश में डेंगू का कहर भी बरकरार है। नोएडा की बात करें तो यहां पर 30 नए डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है। और बता दें कि जिले में डेन टू स्ट्रेन एक्टिव है। इसके अलावा लैब में भेजे गए 50 सैंपल में से 17 में डेन टू स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। जिले में डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 323 पहुंच गई है। तो लगातार लखनऊ में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो बारिश हुई है, फिर पानी का जमाव होगा। बारिश होने से तो जो बारिश के इकट्ठा थे वो धुल गए, तो अब फ्रेश आने में ये है कि फिर हमको 15 दिन का टाइम लगेगा। 15 दिन में ये दोबारा से पानी इकट्ठा होगा और फिर उसके बाद बढ़ने की ये अक्टूबर तक चल सकता है। लेकिन इसके वायरस जो है 13 डिग्री जब टेम्परेचर टच करता है तो मर जाते हैं। तो जैसे ही वातावरण का टेम्परेचर हमारा 13 डिग्री होगा तभी खत्म होगा ये। लेकिन व्यवस्था अस्पताल में पूरी है, मरीजों को कोई भी परेशानी नहीं है, सबका इलाज बहुत अच्छे से हो रहा है, बेड्स की कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास सारी व्यवस्था है। नोएडा में डेंगू के मामले एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक 7 सितंबर से केस लगातार बढ़ रहे हैं। हम नोएडा के जिला अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ अगर मरीजों की तादाद हम आपको दिखाएं तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा खचाखच अस्पताल मरीजों से भरा हुआ है। रोजाना 3,000 से ज्यादा लोग अस्पताल में अलग अलग बीमारियों का इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं, दवाई लेने के लिए लाइन लगी हुई है। दूर तक आप देखेंगे तमाम पेशेंट यहाँ पर दिखाई देंगे। जिले में डेंगू के मरीजों की अगर संख्या की बात की जाए तो 223 एक्टिव मरीज अभी तक गौतम बुद्ध नगर में सामने आ चुके हैं। डेंगू के अकेले जिला अस्पताल की अगर बात की जाए तो 48 ऐसे पेशेंट हैं जो यहां पर भर्ती किए गए हैं जिनकी प्लेटलेट 3,000 से कम है, उनको आईसीयू में भर्ती किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक तमाम लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, खासतौर पर ऐसे इलाके जहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। और बाराबंकी में अभी भी जल भराव